इराक के पूर्व प्रांत दियाला में मंगलवार को हुए हवाई हमले में 4 इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी मारे गए, प्रांत सुरक्षा सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका के अलास्का के अलेतियान द्वीप पर मंगलवार को 6.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोटकपूरा के पूर्व अकाली विधायक मनतार सिंह ब्राड को आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। ताइवान के तेतुंग कोंटी में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.7 मापी गई। राजस्थान के बीकानेर में बुधवार को मोर्टार बम मिलने से हड़कंप मच गया, ये जिंदा बम नाल एयरफोर्स स्टेशन के कुछ दूरी पर हाईवे के पास रखा गया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर एक छात्रा की हत्या कर दी जिसमें उसकी मौत हो गई। कांग्रेस द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के 6 उम्मीदवारों समेत देश भर के 20 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की गई है। जिला लुधियाना के गांव घलोटी के गुरुद्वारा भक्त रविदास जी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप अग्नि भेंट हो गया। 19 मई को पंजाब में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्री अमृतसर साहिब के सांसद गुरजीत सिंह औजला को फिर से टिकट देने से कांग्रेसी वर्करों में खुशी की लहर पाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य में अपने लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत आज से करेंगे। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि मोदी उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी और कोलकाता में 2 रैलियों को संबोधन करेंगे।